लॉकडाउन में बंद पड़े स्कूलों से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस बात की गंभीरता को समझते हुए बिहार सरकार ने कोरोना के गिरते ग्राफ को देख स्कूल खोल तो दिए, लेकिन स्कूल में पढ़ाई कम और मौज ज्यादा हो रही है। मौज शिक्षक कर रहे हैं और बर्बाद भविष्य हो रहा है। आइल बानी तोहरा गलिया केन्ने बाड़ू हमर ललिया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार पवन सिंह का ये गाना काफी हिट हो रहा है। इतना हिट कि अब ये गाना बच्चों की क्लास में भी बजाया जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, बच्चों की क्लास में। लेकिन बच्चों को कुछ सिखाने की नीयत से नहीं, बल्कि शिक्षकों की मौज के लिए। अब पूरी खबर को समझिए। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे राज्य के उच्च विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की है। लेकिन इस स्मार्ट क्लास व्यवस्था का फायदा बच्चे नहीं, बल्कि इसका लुत्फ शिक्षक उठा रहे हैं। सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के चक्री हाई स्कूल में शिक्षक मौज करते हुए क्लासरूम में ही गाने का आनंद ले रहे थे। जब इसकी सूचना परिजनों को लगी तो इसका वीडियो बना लिया गया। फिर शिक्षकों को इसकी शिकायत की गई, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय शिक्षक उल्टा ही परिजनों से भिड़ गए। समाचार प्लस के लिए सिवान से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर वही जो हमने कही।